吃点吃点你说你说你说你说吃点啊吃点把豆腐啊没没你啊没你और खुश रहें। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 7 बज गया है, मेरा काम खत्म हो गया, नहा करके पूजा भी कर लिया, छत में आए हैं। बच्चा लोग बोला मम्मी छत में खाना बनाइए, इसीलिए थोड़ा झाड़ उड़ करके साफ करेंगे। लोग का चूल्हा का खाना चस्का लग गया, जब होने से बनाइए बने, कितना प्रॉब्लम है। ऊपर में सब सामान लाइए, फिर नीचे जाइए, बर्तन जो लोहा का एक तो कढ़ाई है, लोहा का कढ़ाई ना साफ नहीं होता, उसका नीचे काला रहता है। मिट्टी का एक तो हंडी है, उसी में चावल बनाएंगे। ज़्यादा बर्तन नहीं करते हैं, तभी भी कोई दोनों मांजने में प्रॉब्लम हो जाता है। जा रहे हैं, थोड़ा झाड़ू उड़ू साफ करेंगे, सब्जी सब काट उट के सब रेडी करके रख दे के आए, बच्चा लोग को बुला दिए, जा रहे हैं अभी सब करेंगे। अंडा और आलू उबालने के लिए दिए हैं, रोटी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे और अंडा आलू का कड़ी बनाएंगे, उबालने के लिए बैठा दिए हैं। सब चीज सामान जो तैयार किए थे नीचे सब ला के यहाँ पहुँच गए हैं, चूल्हा भी जला लिए हैं। कड़ी बना के सबको रोटी पराठा नाश्ता कर लिया, बेटी पराठा करी, हम रोटी, बेटा पतलू दिखा दो, पतलू के घर यही पर छोड़ के नहीं जा रहा, अंदर तो घुस नहीं सकता, यही पर छोड़ के नहीं जा रहा। टॉफी सिर्फ दूध पिया, सबको नाश्ता कर लिया, बेटी नाश्ता का बर्तन धो दी, हम चावल बना लिए है, फिर इसमें आलू करेला का फ्राई भी बना लिए है। देखिये आलू करेला का फ्राई बेटी करी है, और अभी जा रहे हैं मछली फ्राई करेंगे, आलू परवल मछली का कड़ी बनाएंगे। चूल्हा में बन खाना बड़ी स्वाद, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम, क्या करें, बना देते हैं, प्रॉब्लम भी उठाना चाहिए आदमी, तो पहले चूल्हा में ही ना खाना बनाते थे, फिर बाद में ना गैस आया, स्टोव गैस, बाद में पहले लेकर चूल्हा में। तैयार हो गया, आलू मछली परवल का करी बनाए हैं, मछली फ्राई करा है, और आलू का आलू करेला का फ्राई किया है, आज का मेनू यही है।
इतना बड़ा दे दिए। लंच कर लिए हैं। लंच करने के बाद अभी बर्तन धोने को मन नहीं है, बेटी धो रही है, देखिए धो दे रही है। हाँ मतलब धो दो, शाम को धोने से ना तब भी धोने मन नहीं करता, शाम को धोने से ना सोते करने से जैसा पानी और हाथ नहीं होने मन करता, बर्तन धोने मन नहीं करता, इसलिए हम जब भी दोपहर को खाना खाते उसका बाद ही बर्तन धो देते हैं। जा रहे हैं, थोड़ा लेटेंगे डॉगी के साथ, एक और डॉगी मेरा नहीं आया, पता नहीं कहाँ चले गई, छत में सोई है, पता नहीं उसका तबीयत खराब है ना क्या, बुलाए कितना नहीं आया, सब कोई खा लिए हैं, जा रहे हैं सोएंगे। रात को अभी 10:30 बज चुका है, केबीसी देखने के बाद आप लोग से थोड़ा बात कर रहे हैं, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय।